दोस्तों आप अपने मसाला बीट चैनल को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए। दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी एक स्ट्रीट फूड लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला बीट चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं झारखंडी स्ट्रीट फूड धुस्का, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और आलू और चने की सब्जी के साथ इसको परोसा जाता है। हमने आधा कटोरी उड़द की धुली दाल ली थी जो फूल के इतनी हो गई है, आधा ही कटोरी चने की दाल है जो इतनी हो गई है। ये इसमें हम हरी मिर्च और अदरक ये भी पीसेंगे साथ में। ये एक कटोरी चावल है, इसमें डालने के लिए स्वाद के हिसाब से नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हमने लिए सौंफ, चौथाई चम्मच हींग है और चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आप अलग अलग भी पीस सकते हैं या एक साथ जार में डाल के भी पीस सकते हैं, तो अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए हमने चावल जार में डाल दिए हैं, हम साथ में ही दालें भी डाल देंगे, हम साथ में ही पीस ले रहे हैं सारी चीज़ें, ये देखिए। और इसी में ही हम मसाले भी डाल दे रहे हैं हाथ के हाथ, ये अच्छे से मिल जाएंगे। अब हम इसमें आधी कटोरी लगभग पानी डालेंगे, थोड़ी देर पीसने के बाद फिर से इसमें पानी डालेंगे। देखिए बैटर बिल्कुल पिस के तैयार हो चुका है और अब हम इसे बाउल में लौट लेते हैं अपने। देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए, आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा पतला ये होना नहीं चाहिए। अब इसे 5 मिनट के लिए हम इसे फेंटेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें धुस्का डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से बनाएंगे इसको पकौड़ी की तरह। इसे हम स्लो मीडियम गैस पे उतारेंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और हमारा धुस्का तैयार हो चुका है, हम इसे उतार ले रहे हैं। देखिए हम पैन में इसको डाल रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए हमने रिफाइंड पहले ही डाल लिया था। इसे थोड़ा गोल करके फैला दें टिक्की की तरह, ये ऐसे। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, ये नॉन स्टिक पैन है हमारा, और इसे 2-3 डालने के बाद ढक देंगे। अब इसे 2-3 मिनट के लिए हम ढक दे रहे हैं इस तरीके से। देखिए बन के तैयार हो चुके हैं और हम इसे निकाल ले रहे हैं। धुस्का बन के तैयार हो चुका है, इसे हम चने और आलू की सब्जी और चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।